नारायण हरि। हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आज की क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, द टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज द मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक इट्स अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड, मीजो मीन मिडल एंड लिथिक मीन्स स्टोन, तो इट वॉज द मिडल स्टोन एज। And if you talk about the middle stone, it means somewhere the earliest stone age was also there and later was also there. That is why this Mesolithic is also known as a transitional phase. इसको transitional phase बोलते हैं क्योंकि इससे पहले की जो phase थी वो Pleistocene phase थी और Paleolithic age उसको बोला जाता है। Paleolithic that is the old stone age and it was the middle stone age and it was followed by the Neolithic or the new stone age. तो Mesolithic जो था वो transitional phase था Paleolithic और Neolithic के बीच में। इसका time period जो था वो 10,000 BC से 4,000 around approx का time period दिया गया है Mesolithic age को। अब Mesolithic age में it was the time period of the Holocene, यहाँ से Holocene period start होता है और इससे पहले का जो period था that was the Pleistocene, और Pleistocene में हमने experience किया था कि वहाँ पर ice age थी and by the time of this Holocene it was the last phase of the ice age. तो ice age खत्म हो रही थी Mesolithic में आते आते, तब ice age अगर खत्म हो रही है तो climate बहुत drastic changes हुए। पहले के टाइम के अंदर क्लाइमेट जो थी वो आइस एज की थी, कोल्ड क्लाइमेट थी प्लेस्टोसीन पीरियड में। होलोसीन में आकर वो क्लाइमेट जो थी ड्राई क्लाइमेट और हॉट क्लाइमेट में कन्वर्ट, वार्म क्लाइमेट में कन्वर्ट हो गई थी। तो वार्म क्लाइमेट में कन्वर्ट होने से इंडिया ने दो ड्राई फेजेस एक्सपीरियंस की हैं, ईस्ट इंडिया में भी और वेस्ट इंडिया में भी, और जिसमें बहुत हाई इंटेंसिटी हाई वेलोसिटी की एयर जो थी वो ब्लो होती थी, गर्म हवाएं चलती थी। तो इसकी वजह से ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया में बेसिकली जो वाटर रिजर्वर्स थे वो भी ड्राई अप हो गए थे, सूख गए थे, और लाइफ जो थी वो माइग्रेट कर रही थी। एनिमल्स में जो टेक द एग्जांपल ऑफ रेनो जो एक जिसको हिंदी में हम गैंडा जानवर बोलते हैं, तो गैंडा जानवर जिसके ऊपर वन हॉर्न एक सींग होता है उसके ऊपर, तो पहले ये वुली रेनोज होते थे। राइनो जो थे पहले वुली होते थे, इनकी जो स्किन का जो ऊपर जो बॉडी के ऊपर वूल होती थी जैसे शीप्स के ऊपर होती है, लेकिन उस वो प्लिस्टोसिन टाइम का पीरियड था। इस टाइम तक आते आते जब क्लाइमेट हॉट हो गया था तो आज हम देख सकते हैं कि जो राइनो की जो बॉडी का जो स्किन होती है, जो उसकी चमड़ी होती है बहुत ज्यादा सख्त और बहुत ज्यादा हार्ड होती है, इवन उसको स्पीयर और भाला भी उसके ऊपर नहीं लग पाता। तो ये जो राइनोज थे पहले कोल्ड क्लाइमेट में वेस्ट इंडिया में प्लिस्टोसिन पीरियड में होते थे, जब क्लाइमेट वार्म हुई तो वहां से उन्होंने शिफ्ट किया और माइग्रेट करना शुरू किया, और माइग्रेट करके जब ईस्ट इंडिया का जो पोर्शन था आज का जो झारखंड है, छत्तीसगढ़ का पीरियड है, छोटा नागपुर प्लेटू पीरियड है, वहां तक ड्राई क्लाइमेट हो गई थी वेस्ट इंडिया में गुजरात और राजस्थान से लेकर, तो पूरा एरिया ये ड्राई हो चुका था। तो ड्राई हो चुका था और राइनोज को और दूसरे एनिमल्स को वेजिटेशन, ऐसी वेजिटेशन की जरूरत थी, ऐसी वनस्पति की जरूरत थी, ऐसी जगह की जरूरत थी जहां पे क्लाइमेट थोड़ी कोल्ड क्लाइमेट हो, तो क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट में शुरू से रहते आए थे। तो इस वजह से जो आज के टाइम में जो हम राइनोज देख रहे हैं वो काजीरंगा नेशनल पार्क में आसाम में पहुंच चुके हैं, आसाम इस एरिया तक पहुंच चुके हैं। तो ये स्टार्टिंग में कहां थे, स्टार्टिंग में ये वेस्ट में थे। तो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से मीजोलिथिक में जो क्लाइमेट चेंज हुआ तो इसकी वजह से साउथ में और ईस्ट में भी पेंट्रेट कर दिया, आसाम तक जो थे एनिमल्स माइग्रेट करके चले गए थे। ये इंपॉर्टेंट चेंज था मीजोलिथिक एज में। अदरवाइज मीजोलिथिक एज में भी पैलियोलिथिक एज की तरह ही डिफरेंट साइट्स भी हैं और डिफरेंट वेपन्स और डिफरेंट जो स्टोन्स के वेपन्स यूज करते थे वो भी हैं, अब उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो हमने देखा कि किस तरह से एनिमल लाइफ शिफ्ट हुई बिकॉज ऑफ द चेंज इन द क्लाइमेट। अब ह्यूमंस का इस टाइम तक आते आते पॉपुलेशन काफी इंक्रीज कर गई थी और उन्होंने छोटे ग्रुप्स में प्रोफेशन का बेसिकली हंटिंग ही था इस टाइम भी, और छोटे छोटे ग्रुप्स में उन्होंने हंटिंग करना शुरू कर दिया था। तो उनके जो इस टाइम इस बार जैसे वेपन्स की जब हम बात करते हैं तो पैलियोलिथिक एज में मैंने आपसे बताया था कि पैलियोलिथिक एज वाज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, अर्ली पैलियोलिथिक, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक, लोअर मिडल एंड अपर। तो लोअर के जो वेपन्स होते थे वो कोर के बने होते थे, कोर मतलब स्टोन का जो स्ट्रॉन्ग हार्ड पार्ट होता है जो टूटता नहीं था उससे वो कोर बनाते थे, चॉपर्स चॉपिंग टूल्स बनते थे। मिडल पैलियोलिथिक तक आते आते उन्होंने फ्लेक्स इंडस्ट्रीज फ्लेक्स बनाने शुरू किए, फ्लेक्स मतलब लेयर्स निकाल लेते थे स्टोन्स में से और उसमें से अपने फ्लेक्स इंडस्ट्री ने डोमिनेट किया था मिडल पैलियोलिथिक एज को। अपर पैलियोलिथिक में आकर ब्लेड्स बन गए थे। तो पैलियोलिथिक में तीन स्टेजेस हमने देखी, अब मीजोलिथिक में आके जो इनके जो मेन इंपॉर्टेंट वेपन जो था जिससे ये लोग बेसिकली हंटिंग करते थे वो माइक्रोलिथ होता था। माइक्रोलिथ बहुत छोटे साइज में होता था,
हार्डली फ्यू सेंटीमीटर 1 to 8 सेंटीमीटर तक हमें माइक्रोलिथ्स मिले हैं। माइक्रोलिथ्स को ये बहुत शार्प एंड बनाते थे उसका, बहुत उसको शार्प वेब बनता था, बहुत उसको पॉइंट में बनाते थे, और उसका जो ब्लंट एंड होता था जो शार्प नहीं होता था उसको वो स्टिक के अंदर इंसर्ट कर देते थे। तो इससे इस तरह से इनका स्पीयर और या भाला बन जाता था और उसको वो प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू फेंकते थे। अब इसके इस टाइम में जो था इनका माइंड भी ज्यादा डेवलप हो चुका था ह्यूमन बींग्स का कम्प्लीटली, और वे और जो उनके वेपन्स थे वो बहुत लाइट वेट हो चुके थे, लाइट वेट थे तो वो ज्यादा दूर तक उनको फेंक सकते थे और अटैक कर सकते थे एनिमल्स के ऊपर। अब जैसे माइक्रोलिथ इन्होंने बनाया था तो माइक्रोलिथ जो थे वो चैट एगेट कार्निलियन मेन स्टोन जो यूज करते थे वो चैट था, एगेट था और कार्निलियन था। जैसे पैलियोलिथिक में क्वार्ट्ज होता था तो क्वार्ट्ज भी इस टाइम यूज होता था लेकिन कम यूज होता था, ज्यादा जो यूज होते थे वो चैट थे, एगेट थे और चैलकोट भी थे। तो इसमें देखो जैसे ये इन्होंने एक और जिनके टूल्स थे वो डिफरेंट शेप्स के होते थे, लूनेट शेप के होते थे, सेमी के बाद ट्रेपेजियम की शेप होती थी, रॉम्बस की होती थी, स्क्वायर की होती थी, रेक्टेंगुलर शेप होती थी, स्क्वायर में क्रेसेंट शेप होती थी, डिफरेंट शेप्स के इनके माइक्रोलिथ टूल्स बने होते थे वेपन्स। तो इसमें ये करते क्या थे, जैसे एक पॉइंट है तो इसमें यहाँ पर इन्होंने माइक्रोलिथ लगा दिया, यहाँ पर माइक्रोलिथ लगा दिया और यहाँ पर माइक्रोलिथ लगाया हुआ था। अब इसको ये एरो की फॉर्म में भी यूज करते थे और स्पीयर या भाले की फॉर्म में भी यूज करते थे। अब जब इसको थ्रो करते थे तो थ्रो करने में जब इसको थ्रो करते थे तो ये स्ट्रेट ये घूमते हुए जाता था। अब घूमते हुए जब जाकर ये बॉडी में एनिमल की बॉडी में जब स्ट्राइक करता था तो रोटेशन फॉर्म होती थी इसकी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब ये ह्यूमन इसमें एनिमल की बॉडी में एंटर कर रहा है तो उस टाइम ये रोटेट कर रहा है और काफी डीप पेंट्रेशन होती थी क्योंकि बहुत ज्यादा पॉइंट इसका बहुत नुकीला और बहुत शार्प पॉइंटेड होता था ये। तो जब ये अंदर रोटेट करेगा तो ये जो माइक्रोलिथ लगा हुआ है ये भी बॉडी को काटेगा, ये भी बॉडी को काटेगा, ये भी बॉडी को काटेगा और ये भी बॉडी को काटेगा। तो इससे इनकी हंटिंग जो थी बहुत एक प्रोफेशनल और एक नई डेवलप्ड फॉर्म में हो गया था और प्रोफेशनल बाय प्रोफेशनल इस टाइम तक ये हंटिंग में ही इन्वॉल्व थे। और ये डिफरेंट शेप्स में थे, सेमी ट्राइंगल भी थे, पॉइंट्स भी थे, ब्लेड्स भी थे। और इसमें जो क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं कि इंडिया में कहां पर कौन सी साइट है और कौन से स्टोन्स ये यूज करते थे। अब अगर हम साइट्स की बात करते हैं तो साइट्स में सबसे पहले जैसे माइक्रोलिथ्स को, माइक्रोलिथ का फायदा क्या हुआ इनको बेसिकली, एक तो माइक्रोलिथ्स छोटे होते थे तो रॉ मटेरियल कम लगता था, एक तो ये फायदा था। दूसरा वो माइक्रोलिथ कुड गो थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस और स्मॉल फोर्स, कम फोर्स से वो ज्यादा दूर का डिस्टेंस कवर कर लेते थे। तो ये माइक्रोलिथ्स का इनको फायदा मिल गया था। तो माइक्रोलिथ्स जो थे सबसे पहले इंडिया में डिस्कवर किए थे सीएल कार्ले ने 1867 में और विंध्याचल रॉक शेल्टर से उन्होंने डिस्कवर किए थे, ये टूल्स डिस्कवर किए थे। उसके बाद एक जो लॉन्ग और सिस्टमेटिक स्टडी है, प्रोफेशनल स्टडी जो की, वो एच डी शंकालिया जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट हुए हमारी कंट्री के, उन्होंने की थी। और 8000 BC तक जैसे मैंने आपको बताया कि मेसोलिथिक एज का जो टाइम था वो 10000 से 4000 अप्रॉक्स का टाइम पीरियड था। अब इसमें 8000 का जो टाइम आया 8000 BC में तो इन्होंने आर्टिफिशियली स्ट्रक्चर्स में रहना शुरू कर दिया था, जो बैम्बूज और रीड्स वगैरह के बने होते थे तो इन्होंने जस्ट लाइक हट्स में रहना शुरू कर दिया था। तो ये जो हट्स में इन्होंने रहना शुरू किया था 8000 BC में, वर्ल्ड सिनेरियो में अफ्रीका और यूरोप में रहते थे। इंडिया में भी सहार नहार राय प्रतापगढ़ यूपी में एक जगह है, वहां पर 8000 BC में हमारे कंट्री में भी मेसोलिथिक मैन जो थे वो स्ट्रक्चर्स हाउसेस में रहने लग गए थे। लेकिन जो मेन फेज स्टार्ट हुई है इंडिया में मेसोलिथिक फेज की वो 5000 से 3000 BC के अंदर में मिली है। अब हम इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स को डिस्कस करते हैं तो साइट्स के ऊपर क्वेश्चन जनरली आ जाता है। तो उसमें नॉर्थ में तो जम्मू कश्मीर के अंदर गुफरकाल और गुंजाहोम दो इंपॉर्टेंट साइट्स थी जहां से हमें माइक्रोलिथ्स और एविडेंसेस मिले हैं कि दीस साइट्स वर लिव्ड बाय द पीपल ऑफ मेसोलिथिक एज। आफ्टर दैट सेंट्रल इंडिया में आदमगढ़ और भीमबेटका जो भोपाल से अराउंड 45 to 47 किलोमीटर है वहां पर हमें एविडेंसेज मिले हैं और मेसोलिथिक मैन के। देन गुजरात के अंदर लामगंज जो है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से हमें बहुत ज्यादा टूल्स मिले हैं माइक्रोलिथ्स। आफ्टर दैट इन साउथ इंडिया में ऑन द बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा और ऑन द बैंक ऑफ रिवर कृष्णा हैदराबाद में हमें बहुत टूल्स मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं मेसोलिथिक एज की। इन यूपी के अंदर मेलन वैली में सहार नहार राय और चौपानी मांडो, ये मेलन वैली में इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो साइट्स हैं मेसोलिथिक एज की। उसके साथ साथ बिहार का जो भागलपुर एरिया और राजगीर एरिया, रांची और पलामू झारखंड,
ये एरियाज जो थे ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडस, उसमें मेसोलिथिक पीपल्स की। तो स्टूडेंट्स इसमें जो क्वेश्चंस में आपको जनरल चीजें जो हैं जो पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक में कॉमन है वो तो ये है कि इनकी इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी थी और ये किस तरह के टूल्स यूज करते थे। तो टूल्स तो इनके डिफरेंट थे, पैलियोलिथिक टूल्स वर डिफरेंट फ्रॉम द टूल्स ऑफ द मेसोलिथिक एज। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेसोलिथिक एज का वो ये है कि इट वॉज द लास्ट फेज ऑफ द आइस एज। तो लास्ट फेज ऑफ आइस एज जो थी ये उसकी वजह से क्लाइमेट वार्म हो चुका था और वार्म क्लाइमेट की वजह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से लाइफ जो थी वो चेंज कर गई थी ह्यूमन बींग्स में भी और एनिमल्स में भी। तो एनिमल्स में जैसे हमने राइनो का एग्जाम्पल दिया कि राइनो जो था आसाम तक पहुंच गए थे। तो दैट वॉज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर और द मेसोलिथिक एज वॉज द ड्रास्टिक चेंज इन द क्लाइमेट एज कंपेयर टू द क्लाइमेट ऑफ द पैलियोलिथिक एज। ओके स्टूडेंट्स।